पल्सेटिला के रिगार्डिंग आप लोगों ने पल्सेटिला अभी तक किसी ने पढ़ी है सेकेंड ईयर में से या और भी बैचेस में किसी ने पल्सेटिला पढ़ी है? सर पल्सेटिला के बारे में कोई ये बता सकता है कि पल्सेटिला के बारे में अगर वैसे तो ऐसा सिग्निफाई करना या एकदम पर्टिकुलराइज करना सही नहीं है, पर फिर भी की स्टॉलवर्ट्स ने हमारे कहा है जिस एक एरिया के एक स्पीयर ऑफ एक्शन जो पल्सेटिला का है जो बहुत प्रोमिनेंट है और जो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है अगर पल्सेटिला आपको मिलती है, और ये मिलना मतलब पल्सेटिला ही पल्सेटिला, वो कौन सा एस्पेक्ट बताया है हमारे स्टॉलवर्ट्स ने पल्सेटिला के बारे में? जो डॉक्टर, सपोर्ट, हाँ जी बताइए। हाँ वांट ऑफ सपोर्ट, कौन बोल रहे हैं? नवीसा, वॉन्ट ऑफ सपोर्ट, ठीक है वो एक सिम्टम है, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा एक वो क्या है, एरिया क्या है वो, ये तो आपने एक सिम्टम बता दिया, एक सिम्टम हो गया। इंजीबिलिटी, सॉरी, चेंजेबिलिटी, एक एक चीज बता रहे हो, ये पूरा चेंजेबिलिटी जो है, ये वांट ऑफ सपोर्ट है, ये सारे सिम्टम्स तो माइंड के है ना? सर फीमेल रेमेडी, ठीक है, फीमेल रेमेडी है। बेसिक मेरा कहने का मतलब था, अगर आप डॉक्टर सीएम बोगर का साइनोप्टिक कीनोट पढ़ोगे, उसको उठाओगे, तो उसमें स्पीयर ऑफ एक्शन जो दिया रहता है हर रेमेडी के पहले, पहले भी मैंने पूजा पढ़ाते समय दिखाया था उस बुक को, तो स्पीयर ऑफ एक्शन में जो पहला जगह स्पीयर ऑफ एक्शन लिखा है जो कैपिटल्स में है वो है माइंड। अब हम बेसिक पल्सेटिला स्टार्ट करेंगे, ये मैं माइंड वाली बात आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आज जो हम पल्सेटिला पढ़ेंगे ना, आज पल्सेटिला बेसिक जो सिम्टम्स पढ़ेंगे पल्सेटिला के, पूरा मेंटल एस्पेक्ट ऑफ पल्सेटिला पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ेंगे पल्सेटिला के मेंटल एस्पेक्ट उसको भी बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंस है मेंटल एस्पेक्ट की पल्सेटिला में वो भी बताऊंगा और क्यों इंपॉर्टेंस। पल्सेटिला जैसे कि आप जानते हैं कि कॉमन नेम पल्सेटिला को होता है एनीमोने प्रेटेंसिस, या इसको विंड फ्लावर भी कहते हैं, पैस्क फ्लावर भी बोलते हैं कई जगह पे, ये रैनकुलेसी फैमिली से होती है। अब जो डॉक्टर हनीमैन ने पल्सेटिला को प्रूव किया था, जब हनीमैन डॉक्टर हनीमैन ने पल्सेटिला को प्रिपेयर किया था, तो इनका एक तरीका था प्रिपरेशन का जो 38 डायल्यूशन एक्स में उन्होंने बनाया था डेसिमल स्केल में। तो उनका तरीका क्या था, उन्होंने पहले जो जूस होता है फ्रेश प्लांट का, पूरे होल प्लांट का, ग्रीन प्लांट का फ्रेश जूस निकाला, उसको अल्कोहल के साथ उतनी ही मात्रा में, जितना जूस निकाला उतनी ही मात्रा में अल्कोहल से मिक्स कर दिया। अब ये जूस तभी निकाला जाता है, डॉक्टर क्लार्क की मेडिका में लिखा है कि जब फ्लावर आ रहे हो पल्सेटेला में, जब उस प्लांट में फ्लावरिंग स्टेज में हो प्लांट, तभी उसका पूरा प्लांट का, फ्रेश प्लांट का जूस निकालना है, ऐसा डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं। इस जूस को जो निकाला उसको इक्वल मात्रा में अल्कोहल से मिलाते थे डॉक्टर हैनिमन, और उसको इक्वल मात्रा में अल्कोहल से मिलाने के बाद क्या करते थे, आफ्टर द क्लाउडिनेस हैज सेटल्ड डाउन द क्लियर फ्लूइड इज डिकंटेड ऑफ, जब उसकी क्लाउडिनेस सेटल डाउन हो जाती थी मिलाने के बाद, क्लियर फ्लूइड उसमें से निकाल लिया जाता था। और भी लोग एंटर कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। तो जब इक्वल मात्रा में फ्रेश प्लांट का वो पूरा मिक्सचर, उसके बाद उतना ही अल्कोहल मिलाते थे, उसके बाद जब इसमें क्लाउडिनेस सेटल डाउन हो जाती थी और जो क्लियर फ्लूइड निकलता था ना, उस क्लियर फ्लूइड को वो 2 ड्रॉप लेते थे उस क्लियर फ्लूइड की, और 2 ड्रॉप डालते थे एक फाइल में, एक फाइल में जिसमें ये जितना इतना भरा हुआ है ना, 3/4 जिसमें अल्कोहल भरा रहता था, मतलब 99 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल से वो 3/4, 3/4 मतलब 1 2 3, 3/4 पूरे भर दिए, अब इतना सा बचा हुआ है उसमें, उसमें वो उस फ्रेश जो बनाते थे मिक्सचर उसका 2 ड्रॉप लेते थे, 2 ड्रॉप खोल के उसमें डाला, फिर उसको शेक करते थे, क्या लिखा है, ऑफ दिस 2 ड्रॉप्स आर ड्रॉप इनटू द फर्स्ट ऑफ 30 डाइल्यूटिंग फाइल्स, ईच फिल्ड विद 3/4 फुल विद 99 ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहल, सबको 99 ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहल से भर के 30 फाइलें रख दी, ऐसी 30 फाइलें रख दी। अब वो लिक्विड जो मिक्सचर बनाया है वो लिया, उसमें से 2 ड्रॉप इसमें डाला, उसके बाद क्या किया, एंड द फाइल बीइंग कॉक्ड इज हेल्ड इन द हैंड एंड द कंटेंट्स पोटेंटाइज्ड बाय मींस ऑफ 2 स्ट्रोक्स ऑफ थंब फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, इसको लेके ऐसे बंद करके
अबव डाउनवर्ड टू स्ट्रोक देते थे और ऐसे टू स्ट्रोक देने के बाद वो पहला वो बनाते थे। अब ये जो बना टू स्ट्रोक देने के बाद उसमें से दो ड्रॉप लिया और फिर नेक्स्ट में डाला, नेक्स्ट शीशी जो ऐसी रखी हुई है, ऐसे करते 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 जाते थे। लास्ट में देखो विच हैड गॉट इट ड्रॉप फ्रॉम द 28 फाइल एंड हैड बीन ट्वाइस शेकन, दिस इज आल्सो टू बी द ट्वाइस शेकन एंड मार्क 38 डाइल्यूशन और एक्स। तो एंड में जो 30th तीसरी शीशी होती थी वो 38 डाइल्यूशन बनती थी, डेसिमल स्केल की एक्स पोटेंसी 30x बनती थी। और ऐसे ऐसे ही करते 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 डॉक्टर हनीमैन ने पल्सेटिला को प्रिपेयर किया था। ये प्रॉपर मेथड था डॉक्टर हनीमैन का जो उनकी MM प्यूरा में मिल जाएगा, और ये मेथड बहुत जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पिछली बार बात करी थी जब हम ऑर्गेनॉन पढ़ रहे थे कि मोड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा मोड ऑफ प्रिपरेशन में इतना टाइम लिया। जनरली आपको एज अभी इस समय पे आप लोग दवाई परचेज करते हो तो इतना जान के इतना कोई इंपॉर्टेंस आप लोग नहीं समझते, पर क्योंकि ऑर्गेनॉन में ये चीज लिखी हुई है इसको जानना इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे बनती है। डॉक्टर हनीमैन ने अपनी MM प्यूरा में जहां पर पल्सेटिला को पूरा एक्सप्लेन किया है वहां पर लिखा है कि दिस वेरी पावरफुल प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सिम्टम्स ऑन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज मे बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉलरेबल कंप्लीट लिस्ट, जो उनकी पूरी लिस्ट ऑफ सिम्टम्स थे उससे बता रहे हैं, विच ऑफन करस्पॉन्ड टू द मॉर्बिड सिम्टम्स कॉमनली मेट विद, हेंस ऑल्सो दे एडमिट ऑफ फ्रीक्वेंट होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफन डू गुड, वी कैन देयरफॉर अनक्वेश्चनेबली रेकन इट एज अ रेमेडी ऑफ मेनी यूजेस दैट इज पॉलीक्रेस्ट। डॉक्टर हनीमैन ने पल्सेटिला को पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बताया था। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी किसको कहते हैं, जिसका बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एक्शन होता है, जो बहुत ही वैरायटी ऑफ चीजों में यूज करी जा सकती है। क्या लिखा है, वी कैन देयरफॉर अनक्वेश्चनेबली रेकन इट एज अ रेमेडी ऑफ मेनी यूजेस दैट इज पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। अब ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी जो पल्सेटिला है ये डॉक्टर हनीमैन से पहले भी यूज करी जा रही थी, नॉट इन होम्योपैथिक वे बट इन एन अदर वे। और वो क्रूड फॉर्म में कैसे यूज करी जा रही थी, सबसे पहले डायस्कोर्डिस ने मेंशन किया था पल्सेटिला को एज अ रेमेडी फॉर हेडेक एंड ऑप्थैल्मिया, सरदर्द में ऑप्थैल्मिया के केसेस में डायस्कोर्डिस पल्सेटिला को यूज करते थे, विंडफ्लावर को यूज करते थे। और किसी ने अगर हनीमैन से पहले बहुत ज्यादा डिटेल में पल्सेटिला के ऊपर काम किया है ना, तो वो किया है एंटोन वॉन स्टॉर्क ने। ये एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे जो कि अलग अलग ऐसे प्रिपरेशन बनाते थे। इन्होंने बहुत सारी रेमेडीज पे काम किया है जो आज हमारी होम्योपैथी में चल रही हैं। एक पल्सेटिला है और रेमेडीज हैं कॉल्चिकम, आयोसाइमस, ट्रमोनियम, एक्विनाइट, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिन पे एंटोन वॉन स्टॉर्क ने पहले हनीमैन से पहले काम कर रखा था। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब डॉक्टर हनीमैन ने अपनी MM प्यूरा लिखी थी ना, जिसमें पहली बार पल्सेटिला की पूरी प्रूविंग लिखी गई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो डॉक्टर हनीमैन ने एंटोन वॉन स्टॉर्क से उठाए थे। आप लोग को याद होगा, आप लोग सोर्सेज ऑफ मटेरिया मेडिका पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में। जब फर्स्ट ईयर में आप लोग सोर्सेज ऑफ मटेरिया मेडिका पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है कि ये सोर्सेज में एक सोर्स ये भी होता है कि जो पुराने लोग प्रूफ कर रहे हैं, एक्सीडेंटल प्रूविंग्स हुई हैं या पुरानी जो प्रूवर्स प्रूफ कर चुके हैं पहले एस्पेक्ट इसके, उसको भी लिया जाता है हमारी मटेरिया मेडिका में। ये वैसा ही एक एग्जाम्पल है। एंटोन वॉन स्टॉर्क वॉज द फोर रन ऑफ हनीमैन इन द मॉडर्न डे यूज ऑफ पल्सेटिला which is employed especially in the chronic affection of the eye. हनीमैन से पहले पल्सेटिला का आई के ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन वो करते थे, प्रेफर करते थे, और उसके लिए बहुत ज्यादा पल्सेटिला यूज की जाती थी। जो नीचे नाम लिखा हुआ है ये उनकी बुक का नाम है जो एंटोन वॉन स्टॉर्क की थी, A Little Book on the Medical Uses of the Windflower, that is Pulsatilla nigricans. और स्टॉर्क ने ऐसे क्लार्क मटेरिया मेडिकल, आप जब पल्सेटिला से पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स लिखे हुए जो स्टॉर्क ने प्रूव करे थे पल्सेटिला के। वो क्या था, फाउल अल्सर्स में यूज करता था वो, स्वेलिंग्स ऑफ नीज में, वाइट स्वेलिंग ऑफ नीज में यूज करते थे, मेलनकोलिया, मेलनकोलिया इज सैडनेस, टियरफुलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो स्टॉर्क ने हनीमैन से पहले ही बता रखा था पल्सेटिला का। और जैसे हम आगे हनीमैन की प्रूविंग पढ़ेंगे हम इसके बारे में और इम्पोर्टेंस समझेंगे ये मेलनकोलिया का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये MM प्यूरा से मैंने निकाली है। अगर आप MM प्यूरा कभी पढ़ते हैं आगे जाके, या जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप पल्सेटिला खोलोगे तो पल्सेटिला में सिम्टम्स बताने से पहले डॉक्टर हनीमैन ने अलग अलग प्रूवर्स के नाम लिखे हुए हैं, और उसी प्रूवर्स की लिस्ट में हनीमैन ने उनके नाम भी लिखे हैं जिनसे हनीमैन ने ये चीजें पल्सेटिला के बारे में पहले से उठाई हैं, जो उनसे पहले काम कर चुके हैं। उसी में एक नाम लिखा है डॉक्टर हनीमैन ने, स्टॉर्क एंड पी,
ये एंटोन वाल्सटॉर का नाम है जिन्होंने पल्सिटिला के बारे में लिखा हुआ है। और ये आपको सिम्टम्स में कैसे पता चलेगा, हनीमैन अपनी मटीरिया मेडिका प्यूरा में कोई भी रेमेडी लिखता है ना तो उस रेमेडी के आगे अपना जो जिसने वो सिम्टम दिया वो प्रूवर का नाम लिखता है, अगर पुराना कोई है उसका नाम लिखता है, और अगर कोई नाम नहीं लिखता है तो ये याद रखना वो हनीमैन ने खुद पे वो सिम्टम देखा था। हनीमैन खुद पे भी दवाइयां प्रूव करते थे, अगर कोई नाम नहीं है तो वो हनीमैन का खुद का, ये याद रखना। और उसी के रिगार्डिंग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एग्जांपल दिया अनकॉमन टीयरिंग बोरिंग कटिंग पेन्स इन द आई, आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में स्टोर, मतलब ये उनका सिम्टम है, ये उनसे हनीमैन ने उठाया है, ये खुद पे प्रूवन या किसी प्रूवर पे प्रूव किया है। अब डॉक्टर टेस्टे बोलते हैं कि ऑफ द न्यूमरस प्रूविंग लेफ्ट अस बाय हनीमैन that of pulsatilla seems to be the one to which he has contributed himself more than any other. bahut dhyan dijiyega is baat pe, doctor kaise bahut hi satisfying baat keh rahe hain pulsatilla ke bare mein, koi aisi remedy nahi hai pulsatilla ke ilawa jisme doctor hanuman ne khud bahut zyada contribute kiya ho, matlab it is one of the most interesting and characteristic proving of his materia medica. yahi doctor hanuman signify karte hain apni introduction mein pulsatilla ke, जो फोटो है नीचे उसको ध्यान से पढ़िए, एज द एक्सपेरिमेंट्स हुज रिजल्ट विल बी फाउंड बिलो, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने पल्सेटिला पे किया है जिसका रिजल्ट आप नीचे देख रहे हैं वर चीफली मेड बाय मी, उसका बहुत मेजर एस्पेक्ट हनीमैन ने खुद पे प्रूफ करके निकाला है विद वेरी मॉडरेट एंड स्मॉल डोजेस, द सिम्टम्स रिकॉर्डेड आर कॉन्सिक्वेंटली ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन प्राइमरी इफेक्ट्स। क्या बोल रहा है, चीफली मेड बाय मी, और यही डॉक्टर टेस्टी ने ऊपर सिग्निफाई किया है, सीम्स टू बी द वन टू व्हिच ही हैज कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ मोर देन एनी अदर। तो अगर हनीमैन कोई अथॉरिटी बता रहा है, पल्सेटिला का कोई एस्पेक्ट बता रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और ये जो मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन में ये पार्ट समझा रहा हूं ना, इसका इंपॉर्टेंस है, इसका एक मतलब है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप पल्सेटिला को पढ़ने जा रहे हो तो एक बात याद रखना कि एमएम प्यूरा में जो हनीमैन ने पल्सेटिला के बारे में बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट हर रेमेडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर स्पेशली अगर किसी ने सिग्निफाई किया है ये तो उसका इंपॉर्टेंस समझिए। और स्पेसिफिकली अगर हनीमैन कह रहा है कि चीफली मेड बाय मी तो उसका इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही नहीं लिखा, हर रेमेडी में नहीं लिखा है ये चीज। ये है पल्सेटिला का इंट्रोडक्शन पार्ट जो एमएम प्यूरा में आपको मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो। हेंस द मेडिसिनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पल्सेटिला विल बी ऑल द मोर एफिकेशियस व्हेन इन अफेक्शन फॉर विच दिस प्लांट इज सुटेबल इन रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरियल सिम्टम्स देयर इज एट द सेम टाइम द पेशेंट। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सबसे शुरुआत में बोल रहा था कि माइंड का एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ये माइंड का एस्पेक्ट क्यों चूज किया बताने के लिए पहले, क्या ये माइंड को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है पल्सेटिला का। यहाँ पर हनीमैन ने इंट्रोडक्शन में एमएम प्यूरा के लिखा है, इसमें एक और लाइन लिखी थी कि नो डाउट हर रेमेडी में कॉर्पोरियल सिम्टम्स के साथ माइंड के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर पल्सेटिला में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करना है पल्सेटिला का एज अ क्यूरेटिव रेमेडी, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर सच डिस्पोजिशन सच टेम्परामेंट इन द पेशेंट। There is at the same time the patient a timid lacrimose disposition. Timid lacrimose disposition मतलब आंसू बहना बहुत जल्दी, tearfulness, weeping easily, with a tendency to inward grief and silent peevishness. ये एक एक वर्ड को याद रखना, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आगे होगा, इसको ध्यान से यहां मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहे कि हनीमैन ने क्या क्या पॉइंट्स बोले थे और कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। Lacrimose disposition with a tendency to inward grief and silent peevishness, or at all events a mild and yielding disposition, especially when the patient is in his normal state of health, was good tempered and mild, or even frivolous and good humoredly waggish. It is therefore especially adapted for slow, phlegmatic temperaments. On the other hand, it is but little suitable for persons who form their resolution with rapidity and are quick in their movements, even though they may appear to be good tempered. ये फ्लेगमेटिक का एक एस्पेक्ट होता है कि वो स्लो होते हैं, यहाँ पर हनीमैन वही बोल रहा है कि हो सकता है कि वो फास्ट में काम करे पर ज्यादा सूटेबल इनके लिए है, उसके लिए बहुत कम सूटेबल है, चाहे वो माइल्ड हो तब भी। और नीचे क्या लिखा, इट एक्ट्स बेस्ट व्हेन देयर इज डिस्पोजिशन टू चिल्ड्रनेस एंड एडिप्सिया, एडिप्सिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एलन बेसिक हमारा, हमें एलन की नोट्स कवर करनी है, पर एलन की नोट्स जो लिखा है ना उसका बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां पर इसी चीज को अगर आप एलन की नोट्स में आप पहली लाइन पढ़ो, अमिताभ एलन की नोट्स खोलो और पहला जो जहां से पल्सेटिला स्टार्ट हुई वो पहला लाइन पढ़ना स्टार्ट करो. Adapted to persons of indecisive, slow, phlegmatic temperament. Sandy hair, blue eyes, pale face, easily moved to laughter or tear, affectionate, mild, gentle, timid, yielding disposition, the woman's remedy. अब क्या है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में डॉक्टर एलन क्या लिख रहे हैं कि ये रेमेडी उन पर्संस को अडेप्टेड है, ऐसे लोगों को अडेप्टेड है जिनका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है. और ये जो जितना कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखा है ना वो सब एक चीज का डिफाइनिंग चीज है, वो है फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट. अगर आपने फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से भाप लिया, तो आप पल्सेटिला मिस नहीं कर सकते कभी जिंदगी. फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट का एक मिरर इमेज मिलती है पल्सेटिला में, और वो कैसे मिलती है ये मैं आगे बताऊंगा. और यहाँ पर एलन की नोट्स में जो पहली लाइन लिखी है ये स्पेशली अडेप्टेड टू फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, स्लो, यील्डिंग, माइल्ड, ये ऐसे ही वो छोटी सी चीज नहीं. हम सिम्टम ढूंढने लग जाते हैं ना बहुत ज्यादा, ये तुम्हारे सिम्टम, रेड लाइन सिम्टम देखो, ये तो क्या ही है, बोल्ड वाली चीज देखो. आप देखिए यहाँ पर हनीमैन ने अपनी एमएम प्यूरा में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि माइंड के सिम्टम जरूर उठाओ पल्सेटिला में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों में भी है पर इसमें बहुत ज्यादा है. और क्या लिखा है, माइल्ड, टिमिड, वही सारी चीजें, फ्लेगमेटिक. इसी चीज को अगर आपको और इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है तो अगर आप डॉक्टर टीवी नैश का मटीरिया मेडिका है, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स, आप लोग से बोला था मैंने ईवी नैश और बोरेक और एलन लेके बैठना, अगर लेके बैठे हो तो अपनी अपनी खोल लेना जब भी ये बता रहा हूं, मार्क करते रहना. यहां पर उन्होंने लिखा है, now to call attention to another of herring's characteristics, and I know of no one who has expressed them better, we have mild, gentle and yielding disposition, cries at everything, is sad and desponding, weeps about everything, can hardly give us symptoms on account of weeping, and again sandy hair, blue eyes, pale face, inclined to silent grief and submissiveness, Silesia is the chronic. ab ye to likha, ye wahi cheez, mild disposition, wahi jo Allen ne likha, wahi jo Hanuman bataya kya rahe hain. उसके आगे क्या लिखा है वो ध्यान दो. हेयर वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पल्सेटिला टेम्परमेंट एज नियर एज वर्ड्स कैन एक्सप्रेस इट. अगर पल्सेटिला को बताना है, अगर पल्सेटिला को किसी को समझाना है, उसके लिए वर्ड्स यूज करने हैं, तो अगर ये है ना तो जितना पल्सेटिला बता सकते हो सबसे करीब कोई आएगा तो ये वर्ड से आएगा पल्सेटिला. एज नियर एज वर्ड्स कैन एक्सप्रेस इट, पल्सेटिला टेम्परमेंट को आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो. And it in fact that when you find it in a patient, no matter what the pathological condition, pulsatilla will almost surely help. आगे क्या importance बता रहे हैं? और ये एक fact है, ये एक hypothesis theory नहीं है, ये experiment कर करके patient में दे के clinically एक fact निकल के आया है कि अगर ऐसा temperament मिल रहा है तो no matter what the pathological condition is, no matter what the disease is, अगर पर्सन में ऐसा टेम्परामेंट मिलता है उसकी डिजीज के साथ सिग्निफाई करता है तो पल्सेटिला विल ऑलमोस्ट श्योरली हेल्प. देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, इसलिए मैंने आगे वो भी सर्कल कर दिया है कि आप बैठ जाओ, नहीं आपने बताया था सर ये तो नहीं मिल रहा, हम नहीं देंगे पल्सेटिला के अलावा कुछ भी, तो ऐसे मान के मत बैठ. अब ये जो हमने पढ़ा, ये जो इसका मेंटल का इंपॉर्टेंस पढ़ा, ये जो हमने टेम्परमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ा, ये सब बताने का एक ही मतलब था कि अभी हम पल्सेटिला स्टार्ट नहीं करें, अब हम पल्सेटिला का एक एक एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे. ये इतना बैकग्राउंड बताने का इंपॉर्टेंस ये था कि अगर पल्सेटिला हम जो पढ़ेंगे ना उसको हम फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट के साथ साथ पढ़ेंगे. हम फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसके चीजें पढ़ेंगे कि फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट क्या होता है और पल्सेटिला में क्यों फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट में बोलते हैं और एलन की नोट्स में जो सिम्टम लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, ये हम मैच करते करते पल्सेटिला को पढ़ेंगे. तो अब हम चालू करते हैं. पहली चीज फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट के बारे में यहां पर क्या लिखी है, द वॉटर एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इमोशनल सर्कमस्टेंसेस दैट सप्लाइज द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग टोन्स, दैट इज व्हाई द फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट इज सो इंप्रेशनेबल, easily influenced and empathetic, showing an ability to understand and share the feelings of others.
पल्सिला की पर्सनालिटी जो है जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये जो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट लिखा है, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट का एक इनेट कैरेक्टर, एक इनेट क्वालिटी क्या होती है कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेशनेबल और एम्पैथेटिक होती है। दूसरों के दुख को, दूसरों को समझना, दूसरे के दुख को समझना, दूसरों के लिए बहुत सेंसिटिव होना बहुत ज्यादा होता है ऐसा पल्सिटिला में। इम्प्रेशनेबल होती है, इम्प्रेशनेबल का अगर वर्ड रूट ढूंढोगे तो इम्प्रिंट होता है, अगर कोई भी चीज है ना वो इम्प्रिंट हो जाएगी पल्सिटिला में, इजिली उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी। पल्सिटिला को इधर ढालोगे तो इधर ढल जाएगी, उधर ढालोगे तो उधर ढल जाएगी, बस फोर्स लगानी है तुम। देयर आर जेंटल, स्वीट एंड माइल्ड, ध्यान देना फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट की बात हो रही है, पल्सिटिला की बात नहीं हो रही है। दे आर जेंटल, स्वीट एंड माइल्ड, टिमिड, हैव अ यील्डिंग डिस्पोजिशन, कंप्लाइंग और कंप्राइजिंग विद द रिक्वेस्ट एंड डिजायर्स ऑफ अदर। यील्डिंग डिस्पोजिशन का मतलब होता है यील्ड कर जाना दूसरों के सामने, आई यील्ड बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने हार मान जा रही हूं या मान जा रहा हूं, ऐसा डिस्पोजिशन होता है पल्सिटिला का। तुमने कोई बात कही, उसको अपनी कोई बात कहनी होगी, तुमने थोड़ा फोर्सफुली कहा, वो मान गई, अपनी बात छोड़ देगी, पीछे सब, पीछे सब भरती चली जाएगी। इसीलिए एंड में ये नेचर है, इसी वजह से एंड में वो साइलेंट ग्रीफ वो आता है, वो जो फैक्टर है जो हम आगे कवर करेंगे। एंड अ टेंडेंसी टू ट्राई टू प्लीज एवरीवन, अब सबको प्लीज करना है तो कैसे करेगी, सबकी बात मान लेगी, इतनी ज्यादा इंप्रेशनेबल है कि तुम मुझसे कुछ भी बोलो मैं मान जाऊंगी। इस वजह से यूज कर रहा हूँ कि पल्सिटिला को प्रीडोमिनेंटली एक वुमेन रेमेडी कहते हैं, जैसे कि आप एलिन की नोट्स में पढ़े होंगे द वुमेन रेमेडी लिखा हुआ। इसी से याद आया एक क्वेश्चन कि अगर पल्सिटिला को वुमेन रेमेडी कहते हैं तो मेन्स रेमेडी किसको कहते हैं, कोई बताएगा? ये एक मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है, कोई बताएगा मेंस रेमेडी किसको कहते हैं? कंपैरिजन में ही लिखा हुआ है कि अगर वुमेन रेमेडी, करेक्ट आंसर नक्स वोमिका को मेंस रेमेडी कहते हैं, टिपिकल मेन जो होते हैं। अब हमने फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट के बारे में यहां पर क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि इम्प्रेशनेबल होता है वो, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट के लोग इम्प्रेशनेबल होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, दूसरों के दुख दर्द समझने वाले, जो दूसरा बोले वो करने वाले, माइल्ड, बहुत ही ज्यादा जेंटल किस्म के, बहुत ही ज्यादा दूसरों की चीजें मान कंप्लाई कर जाने वाले, मान जाने वाले, हाँ जो तुम बोले वो सब ठीक है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लेगमेटिक का। अब इसी चीज को पेवलोव ने काम टाइप्स बोला है, पल्सिटिला के बताते समय, सॉरी पल्सिटिला बोल रहा हूँ, फ्लेगमेटिक को बताते समय पेवलोव, जानते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे पेवलोव एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, पेवलोव ने ऐसे टेम्परामेंट वालों को काम टाइप्स कहा है। काम टाइप्स क्यों कहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनहिबिशन एंड लैक ऑफ मोबिलिटी है इनके अंदर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना, बहुत फास्ट नहीं है पल्सिटिला, बहुत ही स्लो, लैक ऑफ मोबिलिटी, आराम आराम से काम करने वाले ऐसे होते हैं। कार्ल गुस्ताव यंग ने ऐसी पर्सनैलिटी को फीलिंग टाइप्स कहा है क्योंकि इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेंसिटिविटी होती है। पल्सिटिला इज वेरी सेंसिटिव एज इज द फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इमोशनल वीक होता है, इमोशनल सेंसिटिविटी होती है, इसीलिए कार्ल गुस्ताव यंग ने इनको फीलिंग टाइप्स की तरह डिफाइन किया है। दे लिव बाय देयर फीलिंग्स रादर बाय देयर इंटेलेक्ट और रीजन, दिमाग से नहीं, इमोशन से जीते हैं, दिमाग नहीं लगता उनका, उनका दिल लगेगा चीजों में कि हाँ इमोशन, अरे नहीं ये हो गया वो हो गया, वहां चाहे अपना नुकसान हो रहा हो कोई मतलब नहीं है, वहां पर उनको इमोशन ज्यादा रूल करते हैं, दिमाग या इंटेलेक्ट यू रूल नहीं करता। दे आर वेरी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर, रिफ्लेक्ट ऑन द अदर इमोशंस एंड हैव ट्रबल विद बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। दे रेडिली टेक ऑन द सफरिंग्स ऑफ द चाइल्ड, फैमिली, सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। बच्चे का दुख खुद पे ले लेगी, फैमिली का दुख खुद पे ले लेगी, सोसाइटी का दुख खुद पे ले लेगी, वर्ल्ड में किसी भी प्रकार का कोई दुख होगा सब अपने पे ले लेता है फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाला, इतना इमोशनली सेंसिटिव होता है फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाले। और ऐसे ही फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, यही क्वालिटीज, यही मिरर इमेज आपको पल्सिटिला में मिलेगी। इसीलिए डॉक्टर हनीमैन ने यहां पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़िए, गुड टेम्पर्ड माइल्ड, नीचे क्या लिखा है, फ्लेगमेटिक, स्लो एंड फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, यहां पर इसीलिए लिखा है क्योंकि यही सेम मिरर इमेज जो इमोशनल
एस्पेक्ट है जो इतना इंप्रेशनेबल है, एम्पथेटिक है, ऐसी ही सेम मिररिज्म आपको पल्सेटिला में मिलेगी। डॉक्टर एलन ने इसीलिए यहाँ पर इसको फर्स्ट में लिखा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ओपनिंग डोर है पल्सेटिला को जानने के लिए, द फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट। यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे, डॉक्टर जॉर्ज विटकर की एक किताब आती है एसेंस ऑफ मटीरिया मेडिका, उसमें आप पढ़ेंगे तो उन्होंने पल्सेटिला के बारे में लिखा है यही चीज जो हमने फ्लेगमेटिक पढ़ी। याद रखना जो अभी हमने ये पीछे पढ़ा है, ये पल्सेटिला नहीं है, ये मटीरिया मेडिका नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परमेंट्स की बुक से टेम्परमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। और फ्लेगमेटिक और भी मेडिसिन में होता है, सिर्फ पल्सेटिला में नहीं होता। पर पल्सेटिला में फ्लेगमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ वो देखिए आप। They shape themselves around whatever is presented with force. अपने आप को वैसा ढाल लेना जैसे पीछे से ताकत लग रही है। क्ले देखा है, क्ले, क्ले को जैसे मोल्ड करोगे वैसे मोल्ड हो जाती है ना, वैसे ही होती है पल्सेटिला। उसको जैसे मोल्ड करोगे वो वैसी बन जाएगी। यही मतलब होता है इंप्रेशनेबल का, इम्प्रिंट का। नॉट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। अब अगर किसी की, हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपना एक तरीका होता है, अगर इसमें इतना इजीली इंप्रेशनेबल है कोई इंसान तो उसमें सेल्फ आइडेंटिटी कोई रह जाएगी? तुम मुझसे बोल रहे हो मैं वैसा बन जाऊं, कोई और मुझसे कोई बोल रहा है मैं वैसा चेंज कर दूं, तो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी तो डिस्ट्रॉय हो गई ना। इसीलिए यहां पर लिखा है कि नॉट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, इजिली मोल्डेड, पल्सेटिला मोल्ड्स हरसेल्फ टू व्हाट अदर वांट। दूसरे जो चाहते हैं अपने आप को वैसे ढाल लेना। लेकिन याद रखना, ये ढालना, ये इंप्रेशनेबल होना पल्सेटिला के लिए लॉन्ग रन में बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये ढाल तो लेती है पर इससे जो परेशानियां आती है ना वो अपने अंदर भरती रहती है, भरती रहती है, भरती रहती है, और यही भर भर के जब निकलती है ना तो पल्सेटिला बीमार जो हो आपके पास आती है, पल्सेटिला वैसी पर्सनैलिटी होती है। पल्सेटिला इज मैलिएबल। मैलिएबल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कोई भी चीज मैलिएबल तब होती है जब उसको किसी भी तरीके से मोल्ड करके वैसा बना दिया जाए, अगर उसमें वो क्वालिटी होती है तो उसको बोलते हैं मैलिएबल। पल्सेटिला इज अ रिवर शेप्ड बाय इट्स सराउंडिंग। पल्सेटिला एक ऐसी नदी है जो जहां सराउंडिंग ले जा रही है वहां ले चली जाएगी। जैसा सराउंडिंग शेप है वैसा ही पल्सेटिला वैसे 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 चली जाएगी, अपना कुछ ताकत नहीं लगाती पल्सेटिला। ये डॉक्टर जॉर्ज विथोलकस ने बताया अपनी मदद जो इंपॉर्टेंट है फ्लेगमेटिक के एस्पेक्ट में समझनी। इसी को और अच्छे तरीके से समझना है तो जो लोग रेपर्टरी यूज करते हैं वो लोगों ने ये एविडेंसेस देखे होंगे रूब्रिक्स के फॉर्म में। अगर आप कैंट रेपर्टरी खोलेंगे और उसमें माइल्ड में, माइंड में माइल्डनेस रूब्रिक सर्च करेंगे, माइल्ड, जेंटल, टिमिड, शाई, बहुत ही ज्यादा कमजोर, कमजोर भी नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ लैक ऑफ करेज जिसमें होता है, जो दूसरों की बात इजिली मान लेती है, इसको कोई नहीं, एकदम जेंटल, एकदम माइल्ड, इसके वे ऑफ स्पीकिंग में भी माइल्डनेस मिलेगी आपको, आराम से बोलना, धीमे धीमे बोलना, हाँ डॉक्टर साहब। और एक और चीज याद रखना, अगर ये फीमेल में मिल रहा है तो माइल्डनेस चलो वुमेन्स रेमेडी है, अगर ये मेल में मिले कैरेक्टरिस्टिक और बढ़ जाती है तब। आदमी लोग जनरली एक एस्पेक्ट देखा जाए, नॉट टू बी सेक्सिस्ट, मेल्स आर नॉट माइल्ड, फीमेल्स आर क्वाइट माइल्ड, मेजोरिटी ऑफ देम। और यही चीज, यही कैरेक्टरिस्टिक जब अपोजिट हो जाए ना, मेल मिले जो एकदम माइल्ड है, एकदम जेंटल है, तो मोर कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है ये पल्सेटिला के टूवर्ड्स लीड करने। कैंट रेपर्टरी में माइल्ड में, माइंडलेस में, फर्स्ट ग्रेड में पल्सेटिला आपको मिलेगी। फाटक में, शाई में, टिमिड में, माइल्ड में, फर्स्ट ग्रेड में पल्सेटिला आपको मिलेगी। बोनिंगहसन की रिपोर्ट्री है, बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्री, उसमें यील्डिंग डिस्पोजिशन आप देखेंगे, ये दूसरों को आगे हार मान लेना, दूसरों के आगे जैसा मोल्ड करे मोल्ड हो जाना, यील्ड कर देना, ऐसा डिस्पोजिशन रखने वाली में सिंगल फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है पल्सेटिला। और भी रेमेडी है कम ग्रेडेशन में, अगर बीबीसीआर में कोई एक रेमेडी है जो सबसे ज्यादा यील्डिंग है वो है पल्सेटिला। ये इंपॉर्टेंट है फ्लेगमेटिक के उस कैरेक्टरिस्टिक का, हमने बोला ना हम पैरेलल पढ़ेंगे, फ्लेगमेटिक कैसा होता है ऐसा होता है। और ये पल्सेटिला में फ्लेगमेटिक क्यों लिखा है, क्योंकि पल्सेटिला की पूरी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, माइल्ड, जेंटल, टिमिड, यील्डिंग डिस्पोजिशन, द वुमेन्स रेमेडी।
एक तो हमने ये एस्पेक्ट पढ़ लिया पल्सेटिला का, ये माइल्डनेस जेंटलनेस का, ये टिमिडिटी का, ठीक है ना, और ये यील्डिंग का, ये हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पल्सेटिला का पढ़ लिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पल्सेटिला का, जो ये वर्ड बताता है। ये वर्ड कोई जानता है ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कौन सी भाषा है, किसी को पता है? आप लोग होमोपैथिक स्टूडेंट हैं, इस भाषा के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि हमारे फादर यहीं से हैं। जर्मन लैंग्वेज। इसका मतलब पता है? इसका मतलब होता है चेंजेबलनेस। गूगल सर्च कर लिया क्या सबने? मतलब होता है चेंजेबलनेस, चेंजेबिलिटी, चेंजिंग सिम्टम्स। ये जो हम पल्सेटिला में पढ़ते हैं ना, इसका ये मतलब होता है इस वर्ड का, ये जर्मन वर्ड है। अंडर स्ट्रेस, अब देखिएगा यहां पर हम चेंजेबिलिटी पढ़ रहे हैं, पर ये चेंजेबिलिटी पहले हम फ्लेगमेटिक में पढ़ रहे हैं। Under stress, the phlegmatic temper easily becomes changeable with alternating states and tearful, fearful, sentimental moods. The changeable moods come in waves and tides like an emotional ocean when one moment they seem happy and the next tearful and sad. ये phlegmatic temperaments का एक characteristic होता है कि पल में ये, पल में ये, पल में ये, पल में ये change हो रहे हैं, change होते जा रहे हैं। अभी हंस रहा है, अचानक से दो मिनट बाद रोते हुए मिलेगा। वेव्स एंड टाइड्स की तरह चेंज होता है इनका मूड। इसी चीज को, इसी फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को डॉक्टर एलन ने कैसे बताया है पल्सेटिला के अंदर? सिम्टम्स एवर चेंजिंग। देखिए बोल्ड में लिखा है, बोल्ड सिम्टम है ये पल्सेटिला का, एलन की नोट्स में पढ़ी, अपनी बुक्स में निकाल। सिम्टम्स एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल्स, नो टू अटैक्स अलाइक, वेरी वेल वन आर, वेरी मिजरेबल द नेक्स्ट, अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी। इग्निशिया भी होती है इसमें कोई, और ये सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट में नहीं है यार, ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं है, ये दोनों में मिलेगा आपको। मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी चेंजेबल है और फिजिकल एस्पेक्ट में भी ये चेंजेबिलिटी मिलेगी। नो टू चिल्स आर अलाइक, नो टू स्टूल्स आर अलाइक, नो टू अटैक्स आर अलाइक। कोई भी फिजिकल सिम्टम इसका एक जैसा पैटर्न में मिलेगा ही नहीं आपको, चेंज होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, जस्ट लाइक अ टाइड, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हंस रहा है रो रहा है, हंस रहा है रो रहा है। ये मिलता है पल्सेटिला में और यही कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्लेगमैटिक टेम्परमेंट की। एक बार हम लोग रिजॉइन कर लेते हैं, फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। रिजॉइन कर लो सब लोग। अब ये जो हम चेंजेबिलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें एलन की नोट्स में आपने ऐसे दिखा, आपने फ्लेगमैटिक टेम्परमेंट के बारे में पढ़ा कि फ्लेगमैटिक टेम्परमेंट का कैरेक्टरिस्टिक ही होता है चेंजेबिलिटी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने फ्लेगमैटिक टेम्परमेंट को एक बार कहीं से डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया और फिर एक बार आपने पल्सेटिला अच्छे से पढ़ लिया, आप कभी नहीं भूलेंगे पल्सेटिला। क्योंकि आप अगर एक वर्ड बोलेंगे ना फ्लेगमैटिक टेम्परमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होंगे, तो आप पल्सेटिला याद होगी आपको। डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क ने अपनी मटेरिया मेडिका में इसको सिग्निफाई करते हुए कहा है, आप देखिए यहां पर लिखा है, चेंजेबलनेस इज वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट्स। और ये पल्सेटिला का सबसे इंपॉर्टेंट की नोट है। क्या? इराटिक टेम्परेचर्स इन फीवर, वॉन्डरिंग पेन शिफ्टिंग रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ऑल्सो विद स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ द जॉइंट, हेमरेजेस अपेरेंटली स्टॉप इन अ फ्यू आवर्स रिटर्न, स्टूल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कलर, नो टू स्टूल्स आर अलाइक, alternate paler and redness of face when one set of symptoms come on another vanishes. Changeableness एक keynote है और ये changeableness हर aspect में है। एक पल में pain यहाँ हो रहा है, एक पल में pain यहाँ shift हो गया, एक पल में कहीं और shift हो गया, redness अभी यहाँ है कहीं और shift हो गई, inflammation अभी इस joint का हो रहा है कभी इस joint का हो गया, paler हो रही है, एकदम pale हो गया, कभी एकदम red हो जा रहा है, plethoric हो जा रहा है। एक चीज जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी फिर से ये वाली आ जाएगी, ये alternate करता रहता है। इसी को अगर आप डॉक्टर ईवी नैश की किताब में पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है, देयर इज अनदर कंडीशन ऑफ पल्सेटिला व्हिच मे बी कंसीडर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हिच हेरिंग डज नॉट मेंशन इन हिज कार्ड्स, दैट इज चेंजेबलनेस ऑफ सिम्टम्स। और ये चेंजेबलनेस इग्निशिया नक्स मोस्टाटा में भी मिलती है।
All that herring said, अब herring ने stringibleness को कैसे define किया था? Wandering pain shift rapidly from one part to another, also with swelling and redness of joint. मतलब pain wander करते हैं, एक जगह से दूसरे joint पे, एक जगह से दूसरे joint पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे, ऐसे इधर 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 उधर चलते रहेंगे. Swelling होगी तो ऐसे ही चलती रहेगी. और यहाँ पर ईबी नैश ने एक एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंस दिया. Now if this occur in rheumatism and especially if in the pulsatilla temperament, अगर ये चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स मिल रही है, ये चेंजेबिलिटी के साथ साथ ये चेंजेबिलिटी रूमैटिक सिम्टम्स में मिल रही है और रूमैटिक के साथ साथ वो टेम्परमेंट पल्सेटिला का है, तो वी मे परफॉर्म अ मिरेकल ऑफ क्योरिंग विद दिस रेमेडी. हम एक जादुई करिश्माई ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर ये तीन चीजें हमें मिल गई एक ही पेशेंट में. क्या रूमैटिक कंप्लेंट्स है, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स इज कवरिंग द रूमैटिक एरिया, उसमें ट्रबल्स हैं. वो रूमैटिक कंप्लेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है, वो इस वॉन्डरिंग कैरेक्टरिस्टिक का है, ये चेंजेबिलनेस से मैच करता है. और ये चेंजेबिलनेस रूमैटिक कंप्लेंट्स मिल ऐसे टेम्परमेंट के आदमी या औरत में रही है जो माइल्ड है, जेंटल है, टिमिड है, यील्डिंग डिस्पोजिशन रखता है, सैड, टियरफुल, वीपिंग, मेलनकोलिक, तो जादू हो सकता है इस को देने से. क्या लिखा है, एंड स्पेशली इफ द पॉजिटिव टेम्परमेंट वी मे परफॉर्म अ मिरेकल ऑफ क्योरिंग विद दिस रेमेडी. बट दिस शिफ्टिंग और चेंजेबिलनेस इज नॉट कन्फाइंड टू द पेन्स व्हिच मे बी आइदर रूमेटिक और न्यूरालजिक, बट इज फाउंड इन द डिस्पोजिशन. साफ साफ कहा है कि ये सिर्फ इस फिजिकल एस्पेक्ट का सिम्टम नहीं है, ये उसकी डिस्पोजिशन है. और उसकी डिस्पोजिशन ऐसी क्यों है, बिकॉज ही इज और शी इज ऑफ अ फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट. ये फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, इस वजह से है. The patient is now irritable and then tearful again, or mild and pleasant. But even with the irritableness, it is easily made to cry. The hemorrhages flow and stop and flow again, continual changing. The stools and diarrhea constantly. वही चीज़ जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं भी पिछली मटी हमारे पास. Garrense ने ये जो no two stools are alike ना, ये Garrense ने express किया था इस तरीके से, जो Dr. Allen ने लिखा है, Dr. Clark ने भी अपनी मटी के मेडिकल में लिखा है, यहाँ पर E.B. Nash ने भी उसको signify किया है. आप लोग के पास बोरिक मटेरिया मेडिका है? अगर किसी के पास, जिसको जिस सबको बोला था वैसे तो मैंने, तो बताओ कोई जवाब दो, बोरिक मटेरिया मेडिका जिसके पास हो अभी सामने. यस सर. बोरिक मटेरिया मेडिका में पल्सेटिला खोलो और पहली लाइन पढ़ो. पहला जो एक अलग से लिखा हुआ है लाइन वो पढ़ो. The weathercock among remedies. ये क्या मतलब है इसका, the weathercock among remedies? बोरिक सब नहीं पढ़ी होगी, बेसिक किताब है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब में चलती है. ये जो पहली लाइन लिखी है मटेरिया मेडिका में बोरिक में पल्सेटिला की, the weathercock among remedies, इसका मतलब क्या होता है सर? हवा चलेगी वहां पे, आजकल तो नहीं मिलता. क्या चीज? माइंड में अमिताभ, माइंड में लास्ट लाइन पढ़ो. माइंड की लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है बोरिक में? मेंटली लाइक एन अप्रैल डे. अब ये मेंटली लाइक एन अप्रैल डे का क्या मतलब है? किसी को पता है इस बारे में, ये वेदर कॉक मेंटली लाइक एन अप्रैल डे का मतलब क्या होता है? लिखा तो है वहां पर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और पहली लाइन में बोरिक ने लिखा वेदर कॉक अमंग रेमेडीज. कौन जवाब दे रहे, थोड़े तेज बोले. हवा चल रही है वहां हो जाता है, ये तो तुमने मतलब बता दिया, जहाँ हवा चल रही वहां हो जाता है गूगल करके. इसका मतलब क्या होता है, वेदर कॉक बोलते किसको हैं? सर मतलब ये है कि इतना टिमिड और इतना एक्साइटिंग होता है. पहले मैंने घर को, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है जो भी आंसर कर रहा है उसकी. अभिजीत बोल रहे हो ना, अभिजीत जवाब सही दे रहे हो तुम,
तुम बताओ इसको क्यों बोलते हैं, वेदर फॉग क्यों यूज किया है? सर सर एक्चुअली इसका अगर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखिए तो ये जो होता है प्लांट इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि जहां पे भी हवा चलती है वहां बुड़ जाता है, अगर ये नहीं बुड़ेगा तो टूट जाएगा। सही है, तुम्हारा जवाब सही है, तुम्हारा मतलब सही है, जो तुम बता रहे हो वो एकदम सही कह रहे हो। वेदर कॉक यहाँ पर इस वजह से यूज किया है और ये मेंटली लाइक एन अप्रैल डे। इसका बताओगे अभिजीत ये क्यों यूज किया है? ये तो नहीं पता, सॉरी। कोई नहीं, तुम पहला जवाब तुमने सही दिया, तुम्हारा जो रीजन था उसका सही है। वेदर कॉक वेदर वेन को कहते हैं आज के जमाने में, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना ऊपर, ये हवा का डायरेक्शन जो बताता है, फॉरेन में मिलता है ये कई जगह पे लगा हुआ, जिधर हवा चल रही है उधर मुड़ जाता है। और इसका जो एस्पेक्ट है, जो यहाँ इंपॉर्टेंस है, जो बोरिक ने सिग्निफाई करने के लिए यूज किया है, जैसे अभिजीत ने जवाब दिया, वेदर कॉक मींस अ पर्सन और थिंग दैट चेंजेस रेडिली और ऑफन। ये पल्सेटिला के उसी चेंजेबल मूड को, उसी चेंजेबल कैरेक्टरिस्टिक को जो हम फ्लेगमेटिक में पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको सिग्निफाई किया है पहली लाइन में, द वेदर कॉक अमंग रेमेडीज, जिधर हवा चली जिधर की फोर्स हुई उधर, यील्डिंग डिस्पोजिशन जो हम कहते हैं, जो हम इतना पहले पढ़ के आ रहे हैं अभी बैकग्राउंड में, जिधर को हवा चली उधर को मुड़ गया। और बोरिक में वेदर कॉक के बाद अमिताभ पढ़ो, वेदर कॉक के वाली अगली लाइन क्या लिखी है? The disposition and mental state are the chief guiding symptom of the selection of pulsatilla. बस, बस. ये मेंटल डिस्पोजिशन इसका चीफ गाइडिंग सिम्टम है। डॉक्टर बोलिक पहली लाइन में इसको बताने के बाद लिख रहे हैं कि ये चीफ गाइडिंग सिम्टम होते हैं इसके माइंड के सिम्टम्स। यही हनीमैन बोल रहे हैं, यही एलन ने पहले लिखा है, यही बोगर में स्पीयर ऑफ एक्शन में माइंड पहले लिखा है, यही पर बोरिक सिग्निफाई कर रहे हैं। आप केंट मटीरिया मेडिका खोलेंगे, केंट में भी अगर पहला कोई एस्पेक्ट बताया है पल्सेटिला का तो वो माइंड बताया है। ऐसे ही सबने नहीं लिखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है, वेदर कॉक अमंग रेमेडीज इसलिए बोला जाता है। और जैसे कि अभिजीत कह रहा था कि ये जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये नीचे पल्सेटिला का प्लांट है, ये फ्लावर है पल्सेटिला का, देख रहे हैं कैसे झुका हुआ है, ये विंड फ्लावर इसलिए कहा जाता है कि जिधर हवा चलती है ये उधर झुक जाता है, इधर की हवा चली तो इधर झुक गया, इधर की हवा चली तो इधर झुक गया, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है चेंजेबिलनेस का, जिधर का फोर्स लगा उधर, जिधर का फोर्स लगा उधर, कभी इधर कभी उधर, चेंजेबल ऑल्टरनेटिंग। और यही सिग्निफाई करने के लिए माइंड में जो एंड में लिखा है मेंटली लाइक एन अप्रैल डे, इसको समझाने के लिए शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा आप लोग ने, उनकी एक जेंटलमैन ऑफ वेरोना करके एक है, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है, ओ हाउ द स्प्रिंग ऑफ लव रिजेंबल्स द अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ एन अप्रैल डे, अनसर्टेन ग्लोरी ये याद रखना, which now shows all the beauty of the sun and by a cloud takes all away. ये एक poem है उनकी। April day signify करता है ये changeable को, कि अभी ये sun की beauty देख रहे हैं और एक cloud आया और सब ले गया और अभी एकदम dark हो गया सब कुछ, पल में एकदम अभी पल में एकदम sad। ये metaphorical reference है Dr. Borick का mentally like an April day. Regarding the changeableness of pulsatilla, regarding the phlegmatic characteristics of changeableness of pulsatilla, mentally like an April day, wind flower, jidhar ko force lagai, udhar ko yield kar gaya, changeableness, weathercock, among remedies, theek hai? अब पल्सेटिला के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अभिजीत नहीं, अमिताभ, हाँ अमिताभ तुम एलन की नोट से पढ़ रहे थे ना, एलन की नोट्स में वीपिंग के बारे में लिखा है, देखो सेकंड लाइन में ही शायद पढ़ना है। यस सर, वीप इजली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट विदाउट वीपिंग, वीप्स देन व्हेन थैंक्सड लाइक अ पोडियम। ठीक है, वीप्स इजिली बोल्ड में लिखा हुआ है, बिना वीपिंग के अपनी परेशानी नहीं बता पाएगी, इसके पीछे भी ये फ्लेगमैटिक टेम्परमेंट रिस्पॉन्सिबल है पल्सेटिला। इन फ्लेगमैटिक टेम्परमेंट व्हेन देयर मेंटल स्काइज आर क्लाउडी द रेन डाउन अ शावर ऑफ टीयर्स, द
that gives them a sense of relief and allows them to return to the bright sunny clarity until the next storm. जैसे ही माइंड में ये स्ट्रेस बढ़ती है, जैसे ही वो होता है, जैसे ही कुछ दिमाग खराब हुआ, तुरंत आंसू, पहला रिएक्शन आंसू होता है पल्सेटिला का, पहला रिएक्शन. हम केस चेकिंग करते हैं ना, तो हम पूछते हैं ये चीज, जो आपको इमोशन, कोई भी इमोशन आपको हर्ट किया, ये चीज हुई, तो पहला रिएक्शन क्या था? एंगर था, गुस्सा आया, रोए आप, रोना आता है, गुस्सा आता है, इंसल्ट लगती, क्या होता है पहला रिएक्शन? ये क्यों सिग्निफाई करते हैं हम? क्योंकि उन लोगों में पहला रिएक्शन आंसू का होगा जो पल्सेटिला कैरेक्टरिस्टिक के होंगे. सिर्फ पल्सेटिला नहीं है, और भी मिलते हैं ऐसे में, लेकिन मैं सिग्निफाई करके इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा उसमें मिलते हैं, और यही फ्लेगमेटिक का कैरेक्टरिस्टिक है. दे क्राई फॉर हैप्पी और सैड रीजन एंड समटाइम्स फॉर नो रीजन एट ऑल. खुश होगा तो रोएगा, उदास है तो रोएगा, कभी कभार कोई इमोशन नहीं है फिर भी रो रहा है. ये बहुत सिग्निफिकेंट है. आप पूछते हो ना, तो कभी आपने मदर की केस टेकिंग, मदर से केस टेकिंग कर रहे हो, कोई बच्चा है, कोई लड़की है, उसके बारे में 18 17 साल की, 15 साल की, 14 साल की लड़की है, उसके बारे में आप पूछ रहे हो, दिन भर रोती रहती है. पूछती हूँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तो बस बोल रही है रोना आता है. ये मिलता है, ये ऐसे ही मिलता है. कोई चीज होगी रो देगी, कुछ होगा रो देगी. अब इंक्वायर करो, क्या वो माइल्ड है, क्या वो जेंटल है, क्या वो वैसी यील्डिंग डिस्पोजिशन रखती है. ऐसी क्वेश्चनिंग, इस लाइन में थोड़ा क्वेश्चनिंग करो, ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ इस लाइन में करो, इस लाइन में क्वेश्चनिंग करके देखो, क्या ये पल्सेटिला के टूवर्ड दरवाजा खुल रहा है? खुल रहा है तो और खोलो, नहीं खुल रहा है तो दूसरे दरवाजे की तरफ खोज करो. ये चीजें याद रहेंगी तो ही वहां पर ये दरवाजे ढूंढ पाओगे, नहीं तो वहां पर एक बंद कमरे में जिसमें कोई दरवाजा नहीं है वैसे फंसे रह जाओ. ये टीयर्स ऑफ वीनस जानते हो क्यों लिखा है यहां पर, इसको सिग्निफाई करने के लिए? क्योंकि रोमन मिथ में बोला जाता था कि टीयर्स ऑफ गॉडेस वीनस से ये फ्लावर, विंड फ्लावर पल्सेटिला बनता है. ये कहानी थी जो इसकी टीयरफुलनेस की कैरेक्टरिस्टिक को बहुत सिग्निफाई करता है. वीनस जो गॉडेस थी उन रोमन माइथोलॉजी में, उसमें उनके आंसू गिरते थे, तो उस आंसू जहां गिरते थे वहां ये विंड फ्लावर उगता था, ऐसा बोलते थे. ये सिग्निफिकेंस है टीयर्स ऑफ वीनस का यहाँ. तो आंसू गिरने से उगा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आंसू आना. वीप्स इजिली. If they are under prolonged stress, they become sad and withdrawn, as if a dark cloud has settled over them, and they become timid, shy, inward, and dreamy. और इनका timidity का एक reason भी है, क्योंकि prolonged stress के अंदर रो रो के वो इतना withdrawn हो जाते हैं कि वो एक timid character, एक कमजोर, lack of courage वाला character बन जाता है उनका, क्योंकि पहले से भी gentle हैं, पहले से भी mild characteristic के हैं, इतना pressure और पड़ा, रो रो के फिर एक वो ऐसी personality बनती चली जाती है. Alan Kinnord's में लिखा है, weeps almost impossible to detail her ailments without weeping. Weeps when thanked. Lycopodium में ये लिखा होता है कि जब उसको कुछ अच्छा चीज thank भी करो तो भी weep कर देगा. ऐसे ही ये भी है, पल्सेटिला में भी ऐसा ही होता है. मैंने बताया कि for no reason at all, हंसी में, खुशी में, हर चीज में रोना. इसी को डॉक्टर रॉजर मॉरिसन ने अपनी किताब में ये डायमंड वाले सिम्टम, मैंने पहले भी सिग्निफिकेंस इसका बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं किसी भी रेमेडी के, अगर ये डायमंड नोट करते हैं डॉक्टर रॉजर मॉरिसन को. इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, weeps easily, weeps in interview telling her problems. अब देखो इसमें सीपिया भी है, मेडोराइनम भी है, स्टैफ भी है, तो मैंने जो वहां पर बोला पीछे कि दरवाजे बहुत हैं, देखो धीमे धीमे से कौन सा दरवाजे के टुवर्ड्स ले जा रहा है पेशेंट. प्रिजुडाइज मत होना कि एक दरवाजा. अब इसमें प्रिजुडाइज दो तरीके से आता है, आपने पल्सेटिला ही पढ़ी है, आपने ये पढ़ा ही नहीं कि पल्सेटिला के साथ साथ ये सिम्टम सीपिया, मेडोराइनम, स्टैफ में भी है, तो आप पल्सेटिला ही दोगे, आप कौन सी और रेमेडी दे पाओगे जब आपको पता ही नहीं है कि और रेमेडी है. कंपैरेटिव स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब दूसरी बात, पल्सेटिला, सीपीआर, मेडोराइनम, स्टैफ सब पढ़ी है, अब तुम्हारे दिमाग में बस पल्सेटिला बसी है, इसके लिए पता है तुम्हें और भी होती है, पर तुमने एक प्रेजुडिस है तुम्हारे अंदर कि नहीं पल्सेटिला ही होगी. ये प्रेजुडिस नहीं रखना, इसीलिए वहां पर अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर की बात करते हैं डॉक्टर हनुमान गुप्ता. याद रखना इस बात. अब ये जो टीयरफुलनेस है, इससे एक रिलेटेड फैक्टर होता है ग्रीफ का पल्सेटिला. ये जो मैंने फोटो डाली है, ये एक बुक की है जिसमें फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट के बारे, दिस इज नॉट होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ये एक फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट को डिनोट करने वाली बुक है. इसमें क्या लिखा हुआ है, दे ऑफन यूज अ फॉर्म ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, सॉरी, इन देयर ओन प्राइवेट वे
They can be stubborn, irritable, and they easily suffer from inward grief with silent peevishness. अब याद करो, ये phlegmatic temperament की बुक है, ये materia medica की बुक नहीं है. क्या लिखा है? Inward grief with silent peevishness. अब डॉक्टर हैनीमैन की materia medica pura पे वापस आओ. क्या लिखा है यहाँ पर? With a tendency to inward grief with silent peevishness. देखो सिग्निफिकेंस फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट की यहां पर, उसमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक होता है. इसीलिए यहां पर हैनीमैन ने पल्सेटिला को बताते हुए ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा है साइलेंट ग्रीफ का. और लिखा है दे ऑफन यूज अ फॉर्म ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अवॉइड कन्फ्रंटेशन बट डू नॉट इजीली मेक चेंजेस. पैसिव रेजिस्टेंस है, कन्फ्रंटेशन करना नहीं है क्योंकि दूसरे की बात मान लेनी है. डेंटल है, माइल्ड है, यील्डिंग है, जो दूसरा बोला हर्ट करी वो बात, दुख हुआ पर सब अंदर ले लिया. साइलेंट ग्रीफ, बाहर एक्सप्रेस नहीं किया, दुख हुआ ग्रीफ हुआ अंदर, दूसरे को कुछ कन्फ्रंट नहीं किया. पैसिव रेजिस्टेंस एज द ब्रेक डाउन अंडर स्ट्रेस द प्रैग्मेटिक टेम्परमेंट बिकम मोर इनसिक्योर इनडिसाइसिव कोल्ड. माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो. थोड़ा इस पे ध्यान दो, माइक वाइक मत चलाया करो, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लो टूट जाता है, फिर समझ में नहीं आता फिर कहां से स्टार्ट करना है. तो यहां पर हम बात कर रहे थे ग्रीफ की, साइलेंट पीविशनेस की, और ये इनवर्ड ग्रीफ साइलेंट ग्रीफ. तो ये ऐसा पर्सनैलिटी है कि इसके अंदर ये ऐसे ही जमा हो जाता है साइलेंट ग्रीफ. अब इसी को पीविशनेस को हैनीमैन भी लिखे गए हैं, ये फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट को भी इसी तरीके से डिफाइन करा जा रहा है. ऐसे ही कंपेरिजन है ये फ्लेगमेटिक के और ये पल्सेटिला के. ये राइट साइड पे जो दोनों फोटो हैं ये प्री डिस्पोजिशन है फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट के, और यहाँ जो लेफ्ट में है ये पल्सेटिला का सीएम बोगर का इंट्रोडक्शन है. अब राइट साइड में प्री डिस्पोजिशन की पहली लाइन पढ़ो. The phlegmatic temperament is prone to water retention, cold stomach, insufficient secretion of digestive juices, poor assimilation, anemia and flatulence. ठीक है ना, aggravated from cold food and drinks. अब एक एक देखो, digestive tract पे effect कर रहा है, predispositions है phlegmatic के. Predisposition मतलब phlegmatic temperament वाले लोगों को पहले कौन कौन सी जगह पे sphere of action में effect करेगा ऐसे लोगों में, दवा मतलब body में. तो पहला क्या है, digestive system पे. फ्लैटुलेंस होगा, अनीमिया दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड फूड से एग्रेवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले ये सब लिखे हैं. अब आ जाओ लेफ्ट में, कंपेयर करो मटीरिया मेडिका से अपनी. बोगर में रीजन में देखो, जो मैंने माइंड का बताया था सबसे पहले, माइंड लिखा है वो तुम्हें दिख गया, माइंड इंपॉर्टेंट. अब आओ नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या लिखा है, स्टमक, बाउल्स, टंग, फीमेल जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स. अब इसी में अगर आप नीचे पढ़ोगे तो जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स के बारे में भी रोल होता है. तो ये जितनी चीजें यहां पर लिखी है ना वो इतनी ही चीजें फ्लेगमेटिक होती है. इसीलिए मैं बार 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 इस पे फोकस कर रहा हूं कि टेम्परमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से पढ़ो. टेम्परमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो इतनी बड़ी बड़ी पॉलीक्रेस्ट को इतने अच्छे से समझ लोगे कि दोबारा पढ़ने की, दोबारा समझने की इस चीज को जरूरत नहीं पड़ेगी. बार बार 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा. एग्रीवेशन फॉर्म कोल्ड फूड एंड ड्रिंक लिखा है प्रीडिस्पोजिशन में फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट में. अमिताभ डायरिया का एक सिम्टम लिखा है पल्सेटिला में, एलन की नोट्स में, वो डायरिया वाला सिम्टम पढ़ो. डायरिया ओनली ऑन यूजुअली एट नाइट, वाटरी, ग्रेनिश येलो, वेरी चेंजेबल सून एज दे ईट फ्रॉम फ्रूट, कोल्ड फूड और ड्रिंक्स, आइसक्रीम. क्या लिखा है, आर्सेनिक है. For ये cold food or drinks, ice cream. Cold food and drinks. Diarrhea from cold food and drinks. Aggravation from cold food and drinks. Phlegmatic. It is a characteristic of phlegmatic temperament. That is why it is present in a symptom of pulsatilla. Because pulsatilla is a phlegmatic temperament. Relate karo. ऐसा ही एक सिम्टम है प्यूबर्टी के टाइम पे. सबसे पहले पन्ने में पल्सेटिला के तुम अमिताभ पढ़ो कि प्यूबर्टी के टाइम में नेवर वेल सिंस वाले में पढ़ो, वो वाली चीज पढ़ो.
ये जो पॉइंट लिखा है ना द फर्स्ट सीरियस इंपेयरमेंट वाला, ये वाला पॉइंट पढ़ो। सुनाई दे रहा है? द फर्स्ट सीरियस इंपेयरमेंट ऑफ हेल्थ इज रेफर्ड टू प्यूबरिक एज, हैव नेवर बीन वेल सिंस, एनीमिया, क्लोरोसिस, ब्रोंकाइटिस एंड पैथेसिस। इसमें यहां पर ध्यान दो, नेवर वेल वेन सिंस प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट डिजीजेस होती हैं, और ऐसी डिजीज में पहला डिजीज, दूसरी डिजीज कौन सी लिखी है? अनीमिया, क्लोरोसिस। प्रीडिस्पोजिशन फ्लेगमेटिक में क्या है? अनीमिया। क्लोरोसिस इज नथिंग बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये मैच करता ही करता है, ये चीजें मैच करती ही करती हैं। ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे पल्सिटिला का, सबको पता होगा ये सिम्टम, एम्लोरेटेड फ्रॉम ओपन एयर। नीचे देखो फोटो में, द फ्लेगमेटिक टाइप में लाइक ओपन एयर बिकॉज इट सिमुलेट्स देम बट दे डू नॉट लाइक कोल्ड विंड। ठंडी हवा नहीं पसंद है, बस खुली खुले खुले में हवा आना पसंद है, ओपन एयर पसंद है, कोल्ड विंड नहीं पसंद है। पल्सिटिला को भी ओपन एयर पसंद है। सिमिलैरिटीज, इन्हीं एस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमें टेम्परमेंट पढ़ना है। अगर एलन की नोट्स में पहले पैराग्राफ में, जनरली हर पहले पैराग्राफ में एलन की नोट्स पढ़ोगे तो उसमें टेम्परमेंट मेंशन्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परमेंट या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी टेम्परमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को सिग्निफाई कर रहे हो। तो इसको अगर अच्छे से तुमने समझ लिया ना कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परमेंट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है तुम पूरी रेमेडी को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके सिम्टम्स को, उसके एक एक एग्रवेशन एम्लोरेशन को उस हिसाब से समझ लो। जैसे हमने थूजा में ये साइकोटिक में हाइड्रोजेनॉइड वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वैसे ही पल्सेटेला में आज हमने फ्लेगमेटिक वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम कल इसमें आगे वाली क्लासेस में और सिम्टोमेटोलॉजी पे बात करेंगे। अभी इतनी चीजें जो तुमने पढ़ी फ्लेगमेटिक के रिगार्डिंग, ये प्रीडिस्पोजिशन के रिगार्डिंग, सिम्टम्स के रिगार्डिंग, और क्यों ये मैच करते हैं, क्यों वेदरकॉक लिखा है, क्यों यहाँ पर मेंटली लाइक एन अप्रैल डे लिखा है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है? सर कॉर्पोरियल सिम्टम क्या होता है? फिजिकल प्लेन पे जो होते हैं, समझे?